प्रयागराज में छात्रों ने आम बजट को लेकर फूंका पुतला। जी हां, बजट को लेकर कांग्रेस कमेटी और NSUI यूथ के छात्रों ने आज BJP के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और एक साथ लामबंद होते हुए प्रयागराज में स्थित गांधी प्रतिमा के पास हाथों में तख्ती लेकर निर्मला सीतारमण का पुतला फूंकने का प्रयास किया और उनके द्वारा प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी यूपी टाइप की का जमकर विरोध किया। लोगों का कहना है कि यहां की पुलिस प्रशासन हमें पुतला फूंकने से रोक दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार जनता BJP को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और चुनाव में कांग्रेस पर बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। छात्रों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि BJP हिटलर शाही पर उतर आई है, उन्हें पुतला नहीं फूंकने दिया जा रहा, उन्हें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही। ये सरासर अन्याय है और हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से कल निर्मला सीतारमण जी ने यूपी के लोगों पर टिप्पणी की है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही अपमानजनक है। आज हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी ने हर जगह विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्मला सीतारमण को ये चेतावनी दी है कि जिस तरह से वो यूपी का अपमान कर रही हैं, यूपी के खिलाफ टिप्पणी कर रही है, हमारी नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी कर रही हैं, ये बेहद निराशाजनक है और यूपी के लिए अपमान का विषय है। आने वाले 10 तारीख के चुनाव में यूपी की जनता उनको बटन दबाकर जवाब देने का काम करेगी। शांत रस्तों की इलाहाबाद यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इलाहाबाद। किसने विरोध किया, आप लोग किस तरीके से विरोध किया, पुतला फूंकने की कोशिश किया? कल जिस तरह से केंद्र सरकार की वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाया है और यूपी टाइप का कर हमें नीचा दिखाने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद में कांग्रेस के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, यूथ NSUI के लोगों ने मिलकर निर्मला सीतारमण और भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। हमें गर्व है, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमें गर्व है, हम यूपी टाइप के हैं। ये धरती वीरों की धरती है, आज़ादी की, हिंदुस्तान की लड़ाई की धरती है। ये धरती बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। ये धरती कबीर, सूरदास और तुलसीदास की धरती है। ये आनंद भवन है जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज हम लोगों ने सीतारमण का पुतला फूंकने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं ये पुलिस के लोग जो पुतला छीनने का काम किए, और यहाँ पर हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्रदर्शन किया है, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और ये उत्तर प्रदेश का अपमान है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को माफी मांगनी होगी। विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।